नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास निशानेबाज पार्ट 7। अर्जुन नाथ कहाँ है, खेड़ा ने पूछा। जी, वह किसी बेहद काम में व्यस्त है, खेड़ा ने सख्त निगाहों से उसे देखा। और वह खास काम क्या है तुम नहीं जानते? जानता हूँ, उसने सिर हिलाकर सतर्क स्वर में कहा, परंतु अर्जुन नाथ जी का आदेश है कि मैं इस बारे में किसी से भी जिक्र ना करूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताने में कोई एतराज नहीं। इस किसी में मैं भी आता हूं? यह मैं नहीं जानता, खेड़ा ने पल भर सोचा, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है तुम जाओ और दरवाज़ा बंद करके बाहर खड़े हो जाओ। जी, कहने के साथ ही वह बाहर निकल गया। खेड़ा ने कविता देसाई को देखा, रिवॉल्वर खेड़ा की उंगलियों में हरकत में आने को तैयार थी। कुर्सी उठाकर उस तरफ रखो और बैठ जाओ ताकि हम बात कर सकें। खेड़ा के कहे मुताबिक कविता ने कुर्सी वहां रखी और बैठ गई। सबसे खास बात सुन लो, जो इस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। जब भी इस बात को भूलोगी, मेरी रिवॉल्वर की गोली उसी समय तुम्हारी जान ले लेगी। क्षण भर रुककर खेड़ा ने पुनः कहा, अब तुम कुर्सी पर बैठ चुकी हो, बातों के दौरान या बाद में कुर्सी से उठना नहीं। बिना मेरी इजाज़त के अपने पैरों पर खड़ी मत होना, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। क्योंकि मैं घायल हूँ, बेड पर हूँ, इसलिए सावधानी बरत रहा हूँ। मेरा इरादा कुछ भी करने का नहीं है। नहीं है तो जिंदा रहोगी। उन दोनों के बीच कई पलों तक खामोशी छाई थी। रिवॉल्वर का रुख कविता देसाई की तरफ था। तुम जानती हो अजमेर शहर में तुम्हारी स्थिति क्या है, खेड़ा ने पूछा। हाँ, क्या पोजीशन है? बहुत बुरी, कविता देसाई टटोलने वाली निगाहों से पंचम खेड़ा को देखते हुए बोली। डाबर बागले हर समय मेरी जान लेने को तैयार है और कभी भी ले सकते हैं। इस समय तुम्हारे आदमियों की अपेक्षा डाबर बागले के आदमियों ने मुझे पकड़ा होता तो मेरी लाश कहीं और पड़ी होती। दूसरी तरफ देवराज चौहान के सामने बढ़ गई तो वह भी मुझे बख्शने वाला नहीं। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो यह तुमसे ही मालूम होगा। मतलब यह कि तुम ज़्यादा देर अजमेर में सलामत नहीं रह सकती, कविता देसाई ने सहमति से सिर हिलाया। तुमने मेरी लूट में टांग अड़ाई और 70 करोड़ के सोने से भरी वैन ले भागी, वरना वह सब मेरा था, मेरे ही पास वह सोना आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, अब मुझे हालातों के मुताबिक ही चलना पड़ रहा है। क्षण भर ठिठक कर खेड़ा ने पुनः कहा, कोई और वक्त होता तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। खैर तुम्हें डाबर बागले और देवराज चौहान से जान का खतरा है, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। और इस वक्त डाबर बागले मेरे लिए भी खतरनाक बन चुके हैं, क्योंकि मैंने उनके जुआ घर को लूटा, वहां छिपा रखे 70 करोड़ के सोने को लूटा। ऐसे में डाबर बागले मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मैं चाहता नहीं कि डाबर बागले के हाथों मारा जाऊंगा या उसके खौफ में मुझे अजमेर छोड़ना पड़े, क्योंकि बरसों की मेहनत के बाद अजमेर वंडर वर्ल्ड में मैं अपनी जगह बना पाया हूँ। कविता देसाई की एक टक निगाह खेड़ा पर थी। तुम्हारे और मेरे दुश्मन यानी कि डाबर बागले एक ही हैं, अगर दोनों खत्म हो जाएं, तो हम अजमेर में ही चैन की सांस ले सकते हैं, शान से जिंदगी बिता सकते हैं। और उन दोनों के खत्म होने से हमारा खास तौर से मेरा रुतबा भी बढ़ जाएगा और भी बहुत कुछ होगा। तुम कहना क्या चाहते हो खेड़ा, कविता देसाई के होठ सिकुड़ गए। यह कि इस समय सबसे जरूरी काम डाबर बागले को खत्म करना है। इस काम में तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हारा। आदमियों की और गोला बारूद की मेरे पास कमी नहीं है, इसलिए नहीं खेड़ा, कविता देसाई बात काट कर कह उठी, यह संभव नहीं है। क्यों? डाबर बागले के खिलाफ तो मैं लड़ने की सोच भी नहीं सकती, वह बहुत ताकतवर हैं। फिर तुम जो भी हो लेकिन इतने नहीं हो कि डाबर बागले का मुकाबला कर सको। अगर होते तो मेरा साथ हासिल करने के नहीं कहते, बल्कि जो करना चाहते तो वह कर डालते, कविता देसाई का स्वर गंभीर था। पंचम खेड़ा मुस्कुराया, ठीक कहती हो तुम, लेकिन मैं घायल हूँ, इस लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। अलबत्ता तुम्हारे साथ एक ऐसे इंसान को कर सकता हूँ कि उसके साथ होने से तुम्हारी जान को खतरा भी कम हो जाएगा और तुम आसानी से डाबर बागले के साथ लड़ाई कर सकती हो। शिखा मेहता भी इस काम में तुम्हारे साथ रहेगी। किसकी बात कर रहे हो? देवराज चौहान की। देवराज चौहान? कविता देसाई चीख पड़ी। हाँ, तुम और शिखा देवराज चौहान के साथ यह लड़ाई लड़ोगी, साथ में मेरी सारी ताकत, सारा गोला बारूद होगा। ऐसे में डाबर बागले का बचना आसान नहीं होगा।
कई पलों तक तो कविता देसाई के होठों से कोई शब्द नहीं निकला। देवराज चौहान मान गया कि उससे तो अभी तक मैंने कोई बात नहीं की, मेरे आदमी उसकी तलाश में है। कविता देसाई कुछ नहीं बोली। डाबर बागले का मरना तुम्हारे लिए जरूरी है कविता देसाई, और तुम्हारे लिए तो बहुत ही जरूरी है। यह बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, खेड़ा ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें खूबसूरत मौका मिल रहा है कि अपने दुश्मन को खत्म करके हमेशा के लिए अजमेर में ही रह सको, जहाँ तुम बरसों से, शुरू से, शायद बचपन से हो। पुरानी जगह छोड़ने को मन भी नहीं करता। कोई ज़रूरी तो नहीं कि देवराज चौहान इस बात को माने। कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन यह सोचो कि अगर वह मान गया तो उससे तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, फिर वह तुम्हारी जान भी नहीं लेगा। मैं नहीं समझता कि मेरी बात मानने में तुम्हारा कोई नुकसान है। कविता देसाई ने खेड़ा की आंखों में झांका। एक बात का जवाब दो खेड़ा, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम मेरा क्या करोगे? कुछ भी नहीं, खेड़ा ने सरल स्वर में कहा। तुम जा सकती हो, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। पक्का? हाँ, बेशक जाओ, चाहो तो सोचकर कल तक मेरी बात का जवाब दे देना। कविता देसाई शांत मुद्रा में कुर्सी पर बैठी खेड़ा को देखती रही। अब क्या इरादा है तुम्हारा? उसे खामोश पाकर खेड़ा ने पूछा। खेड़ा, कविता देसाई ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे पहलू बदला। कोई और वक्त होता तो मैं तुम्हारी बात पर गौर करती, सोचती, परंतु इस समय तो मैं इस बात की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरी निगाहों के सामने सबसे अहम सवाल 70 करोड़ के सोने को तलाश करके उसे पाने का है। उसी सोने को पाने की खातिर मैं अजमेर में हूँ, वरना कब का मैंने अजमेर छोड़ दिया होता। ऐसे में मैं अगर डाबर बागरे की लड़ाई में पड़ गई तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। किसी दूसरे शहर में जाकर भी मैं डाबर बागले से खुद को बचा सकती हूँ। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे सिर्फ सोना ही तलाश करना है, सोने को ही ढूंढना है, उसे अपने कब्जे में लेना है। पंचम खेड़ा के होठों पर मधुर मुस्कान दौड़ गई। मैं जानता था कि तुम्हारा जवाब कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यह भी सोचो कि शायद तुम सोना कभी पा ही ना सको। और इस बीच डाबर बागले के आदमियों ने तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दी तो? खेड़ा शांत भाव में कही जा रहा था। लेकिन मेरी बात मानकर तुम्हें कई तरफा फायदे हैं। तुम लोग डाबर बागले के खिलाफ जंग लड़ोगे, उसे खत्म करोगे, और इधर मेरे बेहद खास और तेज आदमी 70 करोड़ के सोने को तलाश करेंगे कि वह कहां पर है। अगर वह मिल गया तो उसे हम सब आपस में बराबर बराबर बांटकर इस मुसीबत भरे जंजाल से निकलकर मुक्त होकर अपने अपने रास्ते पर बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल में यह बहुत ही बढ़िया और अच्छी ऑफर है तुम्हारे लिए। माना, परंतु तुम सोना ना तलाश कर सके तो? तो पंचम खेड़ा ने कविता देसाई की आंखों में झांका। उस स्थिति में मैं तुम्हें 50 लाख रुपया नगद दूंगा। उस 50 लाख से तुम कहीं भी अपनी लाइफ सेट कर सकती हो। यह बात तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। अगर 50 लाख में तुम किसी और को भी हिस्सा देना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। कविता देसाई खामोश रही। उसका दिमाग इस मुद्दे पर बहुत तेज चल रहा था। यह ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिस पर तुम्हें सोचना पड़े। कविता देसाई ने पुनः पहलू बदला। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम ऐसी स्थिति में मुझे 50 लाख दोगे? यह भी तो हो सकता है कि तुम मुझे गोली से उड़ाकर किसी नाले में फेंक दो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद मैं जिंदगी में पहली बार सच्चे मन से किसी से वायदा कर रहा हूँ, खेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए, इस समय मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कविता देसाई होठ को दांतों से काटते हुए खेड़ा को देखने लगी। खेड़ा की कही बातों पर वह बेहद गंभीरता से गौर से ध्यान दे रही थी। इस समय मौजूदा हालातों को वह हर तरफ से, हर अंदाज से देख सोच समझ रही थी। 70 करोड़ के सोने को हासिल कर पाने के चांस तो आधे से भी कम थे, इस बात का एहसास था उसे अच्छी तरह था। और जितना कम चांस सोना हासिल कर पाने का था, उसी तरह उससे कहीं ज़्यादा चांस डाबर बागले या देवराज चौहान के हाथों मारे जाने का था। खेड़ा की चंद बातें उसे पसंद भी आई थी। खेड़ा की बात मान लेने का मतलब था देवराज चौहान से दुश्मनी खत्म, उससे मौत का खतरा नहीं होगा, खेड़ा भी उसके दोस्तों में शुमार हो जाएगा। अगर वह सब मिलकर डाबर बागले के पीछे पड़ते हैं तो डाबर बागले को पूरी तरह खराब किया जा सकता है। ऐसा करके उन दोनों की तरफ से जान का खतरा भी खत्म हो जाएगा और वह अजमेर में सुरक्षित रह सकेगी। नहीं तो हर समय इन लोगों से उसकी जान को खतरा बना रहेगा
और कभी भी किसी की गोली उसकी छाती, पीठ या सिर में आ लगेगी। और इन सब बातों के साथ ही सब सोने की भी तलाश करेंगे, तो उस स्थिति में सोना हासिल कर पाने के चांस हैं। और सोना मिलने पर कुछ तो हाथ आएगा, ना से हाँ तो है। मान लिया जाए कि सोना नहीं मिलता, तो उस अवस्था में खेड़ा उसे 50 लाख देने को कह रहा है। यह जुदा बात है कि बाद में वह देता है कि नहीं। बहरहाल कविता देसाई को विश्वास था कि खेड़ा 50 लाख देने से पीछे नहीं हटेगा। हटेगा तो कम से कम 50 लाख हासिल करने की हिम्मत तो रखती ही है, और 50 लाख भी कोई छोटी रकम नहीं होती। इतनी रकम से भी अपना बहुत कुछ किया जा सकता है। खेड़ा की निगाहों का रुख और रिवॉल्वर की नाल का रुख कविता देसाई की तरफ था। नर्स उपन्यास पढ़ने में व्यस्त थी, उसे यहाँ हो रही किसी बात से मतलब नहीं था। कविता देसाई ने सिर उठाकर विचार भरी निगाहों से खेड़ा को देखा। कुछ किया फैसला? खेड़ा ने पूछा। या अभी सोचने के लिए वक्त चाहिए, फिर बताओगी? मुझे मंजूर है खेड़ा, कविता देसाई ने सपाट स्वर में कहा। लेकिन बाद में तुम अपनी बात से फिरोगे नहीं? नहीं फिरूंगा, खेड़ा ने सिर हिलाया। मैं देवराज चौहान के साथ डाबर वागले की लड़ाई में शामिल हो जाऊंगी। और इधर तुम 70 करोड़ के सोने को तलाश करवाओगे कि वह किसके पास है, उसे वापस हासिल करके हम सब बराबर का हिस्सा करेंगे। हाँ ऐसा ही होगा, सोना न मिल पाने की स्थिति में तुम मुझे 50 लाख दोगे। पक्का? पक्का दूंगा। और अगर अपनी कही किसी बात से तुम पीछे हटे तो तुम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो। कविता देसाई की आंखों में सख्त भाव नाच उठे। याद रखना खेड़ा, दगाबाजी होने पर मैं छोड़ने वाली नहीं तुम्हें। खेड़ा मुस्कुराया। दगाबाजी नहीं होगी, दिल से कह रहा हूँ। शिखा को भी साथ ले लो। वह? शिखा के बारे में मैं गारंटी नहीं लेती, उससे बात करूँगी। बात कर लेना, समझा कर बात करना, खेड़ा ने सिर हिलाकर कहा। वह तो कर ही लूँगी, परंतु वह तैयार हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसकी डाबर वागले से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, तुमसे नहीं, देवराज चौहान से भी नहीं है। अगर वह डाबर वागले के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ शामिल होती है तो सिर्फ सोने के लालच में होगी। तो जरा जोर देकर सोने का लालच दे देना, खेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। शिखा मेहता इस लड़ाई में हम सबके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, वह तुमसे किसी तरह कम नहीं है। जानती हूँ, कविता देसाई ने कहा। हमारे साथ सिकंदरनाथ भी है। सिकंदरनाथ? वह मंदिर का पुजारी? हाँ, उसकी इस मामले में ज़रूरत नहीं, हम किसी मंदिर की नींव रखने नहीं जा रहे। वह मंदिर का नकली पुजारी है, असल में वह कानून से दौड़ा भगोड़ा मुजरिम है, जो 2-4 पुलिस वालों व अन्य को शूट कर चुका है दिल्ली में। कभी ड्रग्स का धंधा करता था। जो तुम ठीक समझो करो, अगर सिकंदरनाथ हमारे काम का हो सकता है बेशक उसे साथ ले लो। एकाएक कविता देसाई मुस्कुराई। अब तो कुर्सी से उठ सकती हूँ? पंचम खेड़ा ने विचारपूर्ण निगाहों से कविता देसाई को देखा। हाँ उठ सकती हो। लेकिन कविता देसाई कुर्सी पर बैठी रही, उठी नहीं और बोली, रिवॉल्वर भी हटा लो खेड़ा। अभी रिवॉल्वर हटाने की मैं ज़रूरत नहीं समझता, यह ऐसे ही ठीक है। क्यों? जब तक तुम पूरी तरह हमारे पाले में आकर मामलों में शामिल नहीं हो जाती तब तक ऐसा ही चलेगा। मर्जी तुम्हारी, कविता देसाई ने कंधा उचकाया। मैं चलूं? शिखा से बात करनी है। हाँ जाओ, यह जगह तुम्हें पता ना चले कि कहाँ है, इसके लिए तुम्हारी आंखों पर यहाँ से निकलते समय कपड़ा बांध दिया जाएगा, खेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे लिए यह बहुत ही सुरक्षित जगह है, और हालात ऐसे हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी को इस जगह के बारे में पता चले, क्योंकि डाबर वागले से मुझे जान का खतरा है, और यह बात लीक होने में देर नहीं लगती। कई बार बहुत खतरनाक इत्तेफाक हो जाते हैं। मेरा आदमी तुम्हारे साथ ही जाएगा और तुम्हारा ठिकाना देखकर तुम्हें छोड़कर आ जाएगा। उसे बता देना कि तुम्हें कब लेने आए, वह लेने आ जाएगा। तब तक तुम शिखा से बात कर लेना, मुझे कोई ऐतराज नहीं, कविता देसाई ने सामान्य स्वर में कहा। लेकिन देवराज चौहान से इस बारे में कब बात करोगे? तुम तो कहते हो कि अभी तक तुमने इस बारे में देवराज चौहान से बात नहीं की। अर्जुन नाथ देवराज को तलाश कर रहा है, मिलते ही बात हो जाएगी। क्या मालूम देवराज चौहान तुम्हारी बात ना माने? चिंता मत करो, सामने वालों को समझाना मुझे आता है, और देवराज चौहान तो वैसे भी समझदार इंसान है। ठीक है, मुझे बाहर पहुंचा दो, कविता देसाई उठ खड़ी हुई। रात के 12 बज रहे थे। उस घटिया से होटल में
देवराज चौहान और शंकर नाग ने जो कमरा लिया था उसमें एक बेड ही पहले बिछा था। दूसरा बेड बिछाकर उसे डबल रूम का नाम दे दिया गया था, जो कि उनके लिए ठीक था। इस समय उन्हें आरामदेह जगह नहीं, छिपने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए थी। कुछ देर पहले ही दोनों ने खाने के पश्चात चाय पी थी और अब सोने की तैयारी में थे। एक बात तो बताओ, शंकर नाग बोला। क्या? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। गोला बारूद तो हमारे पास नहीं है, जो थोड़ा बहुत था वह वहीं पर छूट गया, और पैसा भी। हाँ तो बिना बारूद के हथियार के डाबर वागले से कैसे लड़ोगे, शंकर नाग ने कहा। कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, देवराज चौहान विचारपूर्ण स्वर में बोला। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि रास्ता कैसे निकलेगा, जबकि सारे अजमेर में हमारी जान के दुश्मन फैले हैं। ऐसे हैं हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो कभी भी घिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान फैल गई। तुम्हारे कहने से पहले ही मैं इन बातों पर गौर कर चुका हूँ, ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? अजमेर से हमें गोला बारूद हासिल नहीं हो सकता कि हम डाबर बागले को तबाह कर सके। अंडरवर्ल्ड के जो लोग भी गोला बारूद बेचने का धंधा करते हैं, डाबर बागले ने उनके धंधे पर रोक लगा दी है कि जब तक वह ना कहें किसी को भी गोला बारूद नहीं बेचना है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ यही बात है, शंकर नाग ने सिर हिलाया। और जहाँ जहाँ गोला बारूद मिलता है वहाँ डाबर बागले के आदमी मौजूद थे, शंकर नाग ने पुनः सिर हिलाया। जबकि हमें गोला बारूद हासिल कर इस जंग को जारी रखना है, कहते हुए देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आता चला गया। और इसके लिए अब हमें जयपुर जाना होगा। जयपुर? हाँ, जयपुर से गोला बारूद खरीद कर इस जंग को जारी रखना है हमें। कल सुबह हम अजमेर से निकलकर जयपुर चलेंगे और शाम तक जयपुर से गोला बारूद खरीद कर अजमेर वापस भी आ जाएंगे। जयपुर में गोला बारूद हम खरीदेंगे कहाँ? कोई ठिकाना तो हमें पता भी? मामूली बात है मेरे लिए, ऐसे ठिकानों को तलाश कर लेना। और पैसे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, वह तो मेरे यहाँ ही रह गए। देवराज चौहान अजीब से अंदाज में हंसा। शंकर नाग, मेरे होते हुए तुम इन छोटी छोटी बातों की चिंता मत करो, कल सुबह जयपुर चलने के लिए तैयार रहना, कहते हुए एकाएक देवराज चौहान के दांत भिज गए। आंखें सुलग उठी। डाबर बागले लाख पहरे बिठा ले, परंतु अपने ऊपर मंडराती मौत को वह नहीं रोक सकते। मेरे बढ़ते कदमों को रोक पाना कोई खेल नहीं है, आज तक कोई सफल नहीं हो सका। आने वाले वक्त के बारे में मैं दावा नहीं कर सकता, परंतु यह बात अवश्य मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डाबर बागले की मौत उनके सिरों तक आ पहुँची। देवराज चौहान ने फौरन अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए, क्योंकि उसी समय बाहर से दरवाजा खटखटाया गया था। देवराज चौहान और शंकर नाग की आंखें मिली। फिर देवराज चौहान के होठ सख्ती के साथ भिंच गए। रिवॉल्वर निकालकर उसने हाथ में ले ली। शंकर नाग ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कोई गड़बड़ है, देवराज चौहान भिजे दांतों से फुसफुसाया। वह वेटर? नहीं, देवराज चौहान ने उसी अंदाज में कहा। वेटर नहीं हो सकता, रात के 12 बजे ऐसे घटिया होटल में वेटर दरवाजा नहीं खटखटाते, वह तो बुलाने पर बुड़ बुड़ करते आधे घंटे बाद आते हैं। शंकर नाग ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। दरवाजा पुनः थपथपाया गया। शंकर नाग ने प्रश्न भरी निगाहों से फक चेहरे से देवराज चौहान को देखा। दरवाजा खोलो शंकर नाग, देवराज चौहान मौत भरे स्वर में बोला। खोलते ही दरवाजे की ओट में हो जाना। पहले पूछ लूं कि बाहर कौन? पूछने का कोई फायदा नहीं, कमजोर सा दरवाजा है, ना खोलने पर वह लोग वैसे भी इसे उखाड़ कर एक बाह में फंसाए भीतर आ जाएंगे। दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। खोलो, देवराज चौहान गुर्राया। शंकर नाग अपनी जगह से उठा। कौन लोग हो सकते हैं? डाबर बागले के आदमियों के अलावा हमारी ज़रूरत और किसी को भी नहीं है। तुम्हारे घर छोड़ने के बाद जब उन्हें वहां हम नहीं मिले और ना ही वहां पहुंचे, तो इन लोगों ने छोटे बड़े हर होटल को खंगालना शुरू कर दिया होगा कि हम कहां पर डेरा जमाए हुए हैं। दरवाज़ा खोलो, मैं निपट लूँगा इनसे, देवराज चौहान का लहजा बेहद खूंखारपूर्ण हो चुका था। बार बार सूखे होठों पर शंकर नाग रह रहकर जीभ फेर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। फिर भी उसे इस बात की तसल्ली थी कि वह देवराज चौहान की पीठ के पीछे खड़ा हुआ है। देवराज चौहान के सामने होते कुछ नहीं होने वाला, एकमात्र वही विचार उसे टांगों पर खड़ा किए हुए था। शंकर नाग ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला
और दरवाजे के पल्ले के साथ साथ ही चलता हुआ पल्ले की ओट पे हो गया ताकि कोई गोली खामखा उसे न लग जाए। देवराज चौहान का रिवॉल्वर वाला हाथ उठा हुआ था। वह सतर्क, सावधान और मौत से भरी मुद्रा में था। किसी भी पल गोली चल सकती थी, परंतु दरवाजा खुलते ही ट्रिगर दबाते दबाते क्षण भर के लिए झिटका। आंखें सिकुड़कर छोटी होती चली गई, परंतु चेहरा मौत के भाव से भरा पड़ा था। सामने अर्जुन नाथ खड़ा था। देवराज चौहान के इरादों को भांपते ही अर्जुन नाथ फौरन दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कह उठा, गोली मत चलाना देवराज चौहान। देवराज चौहान उसी मुद्रा में स्थिर खड़ा अर्जुन नाथ को घूरता रहा। तुम? देवराज चौहान के दांत भिजे हुए थे। हाँ, तुमसे बात करनी थी। अर्जुन नाथ को खतरनाक लम्हों का पूरी तरह एहसास था। अकेले हो? तुम्हारे सामने अकेला ही हूँ, अर्जुन नाथ ने जल्दी से कहा। लेकिन मेरे 8 हथियारबंद आदमी यहाँ फैले हुए हैं, लेकिन वह किसी भी स्थिति में इस तरफ नहीं आएंगे। देवराज चौहान बेहद खतरनाक अंदाज में अर्जुन नाथ को देख रहा था। आओ, हाथ ऊपर ही रखना, देवराज चौहान का स्वर सर्द था। अर्जुन नाथ हाथ ऊपर उठाए भीतर आ गया। देवराज चौहान के इशारे पर अर्जुन नाथ ने फौरन दरवाजा बंद कर सिटकनी चढ़ा दी। अगर तुम्हारे आदमी इस तरफ आए तो मैं उसी पल तुम्हें शूट कर दूंगा अर्जुन नाथ। वह नहीं आएंगे, अर्जुन नाथ के स्वर में विश्वास का पुट था। इसकी तलाशी लो, देवराज चौहान ने शंकर नाग से कहा। निगाहें अर्जुन नाथ पर थी। शंकर नाग ने अर्जुन नाथ की तलाशी के दौरान उसकी जेब से रिवॉल्वर बरामद की, जिसे थाम कर वह चंद कदम हटकर खड़ा हो गया। कमरे में मौत की सनसनी डोल रही थी। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? देवराज चौहान का स्वर सर्द भाव में डूबा हुआ था। मुझे तुम्हारी तलाश थी। 3 घंटे पहले मालूम हुआ कि तुम इस शंकर नाग के घर पर टिके हुए थे। डाबर बागले के आदमियों ने उस जगह को घेरा, परंतु तुम लोग नहीं मिले। वहां अभी भी घेराव है। मैं यह खबर सुनते ही समझ गया कि तुम लोगों को भी घेराव के बारे में मालूम हो गया होगा, इसलिए वहां नहीं आओगे, किसी अन्य ठिकाने पर ही जाओगे, अगर हुआ तो। नहीं तो किसी ऐसे घटिया होटल का इस्तेमाल करोगे जिस ओर किसी का ध्यान ही ना जा सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरे आदमियों ने अजमेर के हर घटिया होटल को चेक करना शुरू कर दिया कि शाम के बाद वहां कोई ठहरने आया है कि नहीं, और इस होटल में जो लोग ठहरे थे हम उन्हें चेक कर रहे थे। परंतु यह दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही मुझे मालूम हो गया था कि भीतर तुम लोग हो, क्योंकि मेरे पूछने पर होटल वालों ने तुम लोगों के जो हुलिये बताए थे उसके आधार पर। देवराज चौहान ने हाथ उठाकर अर्जुन नाथ को रोका। ठीक है, अब काम की बात करो। मेरे ख्याल में हम में ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि तुम मुझे ढूंढते फिरो। मैं हाथ नीचे कर लूँ? कर लो, क्षण भर सोचकर देवराज चौहान ने कहा। रिवॉल्वर बराबर उसके हाथ की उंगलियों में दबी हुई थी। अर्जुन नाथ ने दोनों हाथ नीचे गिराए। ऐसा करके उसने राहत सी महसूस की। देवराज चौहान की सख्त निगाहें अर्जुन नाथ के चेहरे पर थी। तुमसे पंचम खेड़ा मिलना चाहता है? देवराज चौहान मन ही मन चौंका। खेड़ा मुझसे मिलना चाहता है? हाँ, क्यों? यह तो खेड़ा ही बताएगा। अर्जुन नाथ सामान्य लहजे में बात कर रहा था। उसे कहो खुद यहाँ आकर मिल ले, मुझे उससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुमने? अर्जुन नाथ मुस्कुराया। खेड़ा को इस लायक छोड़ा ही कहाँ है कि वह यहाँ तक आ सके। खेड़ा घायल है, उसकी छाती और टांग में 2 गोलियां लगी है, बेड पर पड़ा इलाज करा रहा है। देवराज चौहान के होठों पर कहर भरे भाव फैलते चले गए। खेड़ा ने मुझसे गोलियां खाई, वह मर भी सकता था, बच गया, और अब मुझसे मिलना चाहता है। यह मामला मेरी समझ से बाहर है, जो भी सुनेगा उसकी समझ से भी बाहर ही होगा। खेड़ा की तो यह हालत होनी चाहिए कि मेरे शरीर के टुकड़े देखने के लिए वह तड़पे। ऐसा कुछ भी नहीं है देवराज चौहान। देवराज चौहान के होठों से मौत से भरी हंसी निकली। ऐसा नहीं है तो यह और भी हैरानी वाली बात है। तुम ही कहो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं मानता हूँ तुम ठीक कह रहे हो। ठीक कह रहा हूँ तो खेड़ा से मुलाकात करने की तुक मुझे समझ नहीं आती। अर्जुन नाथ ने विचारपूर्ण निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान, अर्जुन नाथ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी खेड़ा के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह तो हालातों के हिसाब से होना ही था। तुमने खेड़ा को अपना निशाना बना लिया। यह भी तो हो सकता था कि खेड़ा तुम्हें अपना निशाना बना लेता, क्योंकि सामने 70 करोड़ का सोना था और उसे हर कोई पा लेना चाहता था। ऐसे में
दो चार को उड़ा देना कोई बड़ी बात नहीं। जो भी कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। तुम्हारी हम लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं। सोने की खींचतानी को लेकर हम में जो तनाव पैदा हुआ था वह सोना गायब हो जाने के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए। क्यों खत्म हो जाना चाहिए? ताकि आगे का जो भी काम है वह मिलकर किया जा सके। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से अर्जुन नाथ को देखा। कौन सा काम? मैं नहीं जानता। जो मुझे खेड़ा ने कहा वह मैंने तुम्हें बता दिया। तुम किसी भ्रम में मत पड़ो। खेड़ा से बात करने में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, शायद फ़ायदा ही हो। मेरे ख्याल में तो यकीनन फ़ायदा ही होगा। कैसा फ़ायदा? अर्जुन नाथ के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर वह धीमे स्वर में कह उठा, डाबर वागले ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि तुम कहीं से भी इस लड़ाई के लिए गोला बारूद हासिल न कर सको और न ही तुम्हारे पास रहने को छिपने को कोई सुरक्षित ठिकाना है। मेरे ख्याल में तो खेड़ा से बात करना तुम्हारे लिए इन हालातों में बहुत ठीक होगा। चाहो तो अभी मेरे साथ चल सकते हो। खेड़ा कहाँ है यह नहीं बताया जा सकता। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से अर्जुन नाथ को देखा। बुलावा दे रहे हो और पता बताने में हिचक हो रही है? मजबूरी है। खेड़ा की स्थिति नाजुक है। अगर डाबर वागले को मालूम हो गया कि वह कहां पर है तो वहां धावा बोलकर वह लोग हर हाल में खेड़ा की जान ले लेंगे। मैं जानता हूं तुम किसी को भी बिना वजह खेड़ा का पता नहीं बताओगे। फिर भी पता किसी को ना मालूम हो तो ठीक होगा। तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें खेड़ा के पास ले चलता हूँ, मेरे साथ चलो। ज़रूरत नहीं समझता मैं। क्या मतलब? खेड़ा मुझसे बात करना चाहता है, मैं खेड़ा से नहीं। पता नहीं बताना चाहते हो तो जाओ यहाँ से। मुझे खेड़ा में या खेड़ा की किसी बात में दिलचस्पी नहीं है, देवराज चौहान ने पूर्वतर लहजे में कहा। खेड़ा तुम्हारे फ़ायदे की बात? मैं जानता हूँ मेरा फ़ायदा कहाँ है और नुकसान कहाँ है। उसकी बात काटकर देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा, बेकार की बातें मेरे सामने मत करो। अर्जुन नाथ ने दो पल सोचा, फिर कह उठा, तुम पता लेकर उसके बाद अपने मन चाहे वक्त पर आओगे? कोई गारंटी नहीं, अगर मेरा मूड बना तो आऊँगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अर्जुन नाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं पता बता रहा हूँ, याद कर लो और अपने साथी से भी कह देना कि खेड़ा का पता बाहर ना निकाले। सुना तुमने शंकर नाग? शंकर नाग ने अर्जुन नाथ को देखकर सिर हिलाया। अर्जुन नाथ ने खेड़ा का पता बताया कि इस समय वह कहाँ मौजूद है। कोई फ़ोन नंबर? देवराज चौहान ने पूछा। अर्जुन नाथ ने फ़ोन नंबर भी बता दिया। तो कब तक आशा करूँ कि तुम खेड़ा से मुलाकात करोगे? कह नहीं सकता, ज़रूरत समझी तो मैं खेड़ा से बात करूँगा, अब तुम जा सकते हो। अर्जुन नाथ ने बेहद शांत अंदाज में सिर हिलाया, फिर बोला, मेरी रिवॉल्वर? देवराज चौहान के इशारे पर शंकर नाग आगे बढ़ा और रिवॉल्वर अर्जुन नाथ की जेब में डाल दी, जिसे अर्जुन नाथ ने छूने की भी चेष्टा नहीं की। एक बात और कहना चाहता हूँ देवराज चौहान, अर्जुन नाथ बोला। देवराज चौहान ने उसे देखा, जिस तरह मैं थोड़ी सी तलाश के पश्चात यहाँ तक आ पहुँचा हूँ उसी प्रकार डाबर वागले के आदमी भी यहाँ तक आ सकते हैं। खुराना तो वैसे भी बहुत खतरनाक बंदा है। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया और अर्जुन नाथ पलट कर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। शंकर नाग ने फौरन दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। खेड़ा तुमसे क्यों मिलना चाहता है? शंकर नाग ने असमंजसता भरे स्वर में पूछा। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान फैलती चली गई। खेड़ा बहुत गहरा खेल खेलना चाहता है, वह हर तरफ से बच जाना चाहता है। क्या मतलब? डाबर वागले किसी भी हालत में खेड़ा को नहीं छोड़ने वाले और इस बात से खेड़ा बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ है, देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। और मैं डाबर वागले से लड़ रहा हूँ, कहीं मैं डाबर वागले के सामने हल्का ना पड़ जाऊँ, इस कारण वह मुझे लड़ाई में भरपूर सहायता देना चाहता है ताकि मैं उन दोनों को खत्म कर सकूँ। तो इसमें बुरा ही क्या है? कोई बुरा नहीं, लेकिन मैं बैठे बैठे खेड़ा को मजे लेने देना नहीं चाहता। जो डकैती मैंने सिर्फ 15 मिनट पहले करनी थी उसे खेड़ा ने 15 मिनट पहले करके मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। खेड़ा के बीच में आने की वजह से ही जगमोहन डाबर वागले की कैद में पहुंचा, जिसे मैं अब तक तलाश कर रहा हूं। खेड़ा के बीच में आने की वजह के कारण ही 70 करोड़ का सोना मेरे हाथ से निकला, नहीं तो मैं मालिक होता इस समय। यानी कि मात्र खेड़ा ही है जिसने मेरे सारे समीकरण बिगाड़ डाले। यह जुदा बात है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उसे नहीं मालूम था कि मैं भी उस 70 करोड़ के सोने को लूटने जा रहा हूँ। बहरहाल जो भी हो,
मैं उसे इतनी आसानी से डाबर वागरे से छुटकारा नहीं दिलाऊंगा। फिर क्या करोगे? यह तो तुम खेड़ा से ही मिलने पर देखोगे। तुम मिलोगे खेड़ा से? शंकर नाग सकपक आ गया। हाँ, देवराज चौहान ने उसे देखा, उसके ठिकाने पर जाकर उससे मिलोगे? हाँ। नहीं, ऐसा मत करना। क्यों? तुम्हारी गोलियों से वह मरते मरते बचा है, इस समय घायल पड़ा है। अगर तुम उसके ठिकाने पर पहुंच गए तो वह तुम्हें बख्शने वाला नहीं, शूट कर देगा तुम्हें। और नहीं शंकर नाग, देवराज चौहान हंसा, खेड़ा तो बेड पर पड़ा मेरी सलामती की दुआएं मांग रहा होगा कि मुझे कुछ ना हो, क्योंकि मैं उसके सिर से डाबर वागले का खतरा हटा सकता हूँ। वह खेड़ा है, कभी भी कुछ कर सकता है। देवराज चौहान, चिंता मत करो, इस समय तो उसे दामाद से भी ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। शंकर नाग एकाएक कुछ नहीं कह सका। सो जाओ शंकर नाग, सुबह खेड़ा से मुलाकात करेंगे। वैसे भी डाबर वागले ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लड़ाई के लिए हमें कहीं से भी गोला बारूद नहीं मिल पा रहा है, और हमारी इस ज़रूरत को खेड़ा बेहद आसानी से पूरा कर सकता है। खेड़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। यह तुम जानो, शंकर नाग बेचैनी से बोला। तुमने अर्जुन नाथ की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह ठीक कह रहा था कि उसकी तरह डाबर वागले के आदमी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। मालूम है मुझे, वह ठीक कह रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय हमारा बाहर निकलना और भी खतरनाक है। रात यहीं बिताना हमारी मजबूरी है शंकर नाग। शंकर नाग अब जवाब में क्या कहता, और रात शांति से कैसे बीत सकती। घंटे भर बाद ही भड़ाक से दरवाजा टूटकर भीतर की तरफ आ गिरा। भूचाल जैसा तेज स्वर रात के सन्नाटे में गूंज उठा। देवराज चौहान और शंकर नाग समझ भी ना पाए कि खुराना के चार हथियारबंद कमांडोज उनके सिरों पर सवार थे। हिलना नहीं, एक ने गुर्राकर कहा। वैसे भी वह हिल पाने की स्थिति में नहीं थे। देवराज चौहान का चेहरा भयानक उठा, आंखों में अंगारे दहक उठे। कौन हो तुम? देवराज चौहान की निगाहें उन चारों पर फिरी। खुराना साहब के आदमी हैं, सख्त स्वर में जवाब मिला। बैट छोड़ो और नीचे उतरो। उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोनों बैट से नीचे उतरे। तलाशी में उनके रिवॉल्वर बरामद कर लिए गए। चलो। कहाँ? देवराज चौहान के दांत फिट चुके थे। हमारा काम तुम्हें खुराना साहब के पास पहुंचाने का है, क्रूरता भरे स्वर में जवाब मिला। शंकर नाग का चेहरा फक पड़ा हुआ था। एकाएक इस प्रकार उन्हें घेरा गया था कि वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। सारे हालात सामने थे। देवराज चौहान महसूस कर चुका था कि अगर कुछ करने की चेष्टा की गई तो वह ठीक नहीं होगा। यह लोग अंधाधुंध फायरिंग करने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। देवराज चौहान और शंकर नाग को सावधानी से कवर किए वह चारों छोटे से किंतु खूबसूरत बंगले पर पहुंचे। इस दौरान वह इस बात के प्रति सावधान रहे कि देवराज चौहान और शंकर नाग को किसी तरह की गड़बड़ करने का मौका ना मिले। उनके हथियार उन दोनों के चिपके रहे थे, पल भर के लिए भी जुदा ना हुए थे। वह खुराना का बंगला था। कुछ ही देर में देवराज चौहान और शंकर नाग खुराना के सामने थे। खुराना की आंखों से लग रहा था कि वह नींद से उठा है। देवराज चौहान खुराना को देखकर मुस्कुराया। तुम्हारे आदमियों ने हमें पकड़ ही लिया खुराना। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।